सहमति है तो पुनः एक बार हाथ उठाइए। महापंचायत से बात करने के लिए अरेंजमेंट बनाने के लिए हम प्रधानमंत्री या डिफेंस मिनिस्टर से बात करें, इसके लिए समझ राहुल गांधी जी को हम अपना ज्ञापन सौंपेंगे और उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अगला लोकसभा का चुनाव आएगा उसमें आई अरेंजमेंट बनवाने के लिए अपने घोषणा पत्र में रखें, सरकार के कार्यक्रमों का बहिष्कार करेंगे, सरकार के सभी कार्यक्रमों का बायकॉट करेंगे। 36 बिरादरी की महापंचायत में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं, आप सभी का आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। आपने इस धरना स्थल के ऊपर आकर के इस महापंचायत में आई रेजिमेंट की मांग मनवाने के लिए जो साथ दिया है, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। सबसे अधिक धन्यवाद मैं बहन साध्वी जी का, मेरी माता और बहने जो हमारे कंधे से कंधा साथ मिला करके जो बैठी हुई हैं, जो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, इनका आभार प्रकट करता हूं। आज इस महापंचायत में जो प्रस्ताव रखे गए हैं, मैं इनके ऊपर आप सभी की सहमति चाहता हूं। ये प्रस्ताव मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको, इसके ऊपर अपनी सहमति बताते हैं, जो कुछ कहते हैं वो अपने बात रखें। सबसे पहला प्रस्ताव, आज हमारा इस मीटिंग के अंदर इस महापंचायत में ज्ञापन लेकर के सरकार का अधिकारी SDM, DC या अन्य कोई भी अधिकारी 2 घंटे के अंदर हमारा यहाँ से ज्ञापन लेके जाएगा धरना स्थल के ऊपर से, तो आप सभी को मंजूर है तो हाथ उठाएंगे। केस वापिस लिए जाए, जो पिछले दिनों जिन बच्चों की पिटाई की, घरों में घुस घुस करके पकड़ के लाए गए, मुकदमे बनाए गए, झूठे मुकदमे बनाए गए, सबसे पहले मैं तो सरकार की इस घिनौनी कार्रवाई की निंदा करता हूं, घोर निंदा करता हूं। ये केस वापिस लिए जाए सभी के। जल्द से जल्द सरकार हमें हमारी इस मांग के लिए बातचीत करने के लिए हमें जल्द से जल्द हमसे बात करें, बुलाए हमें, इसके लिए समय दे सरकार हमें, आयु रेजिमेंट बनवाने के लिए हमारी मांग के लिए बात करने के लिए समय दे हमको। ये समय प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री महापंचायत से बात करने के लिए अरेंजमेंट बनाने के लिए हम प्रधानमंत्री या डिफेंस मिनिस्टर से बात करें, इसके लिए समझ। सरकार में डिफेंस मिनिस्टर या प्रधानमंत्री से नीचे हम इस मांग को मनवाने के लिए और किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ उन्हीं से करें। अभी अभी विपक्ष की नेता की भूमिका निभा रहे राहुल गांधी जी को हम अपना ज्ञापन सौंपेंगे और उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अगला लोकसभा का चुनाव आएगा उसमें आई रेजिमेंट बनवाने के लिए अपने घोषणा पत्र में रखें। सरकार में नेता शामिल है,
या सरकार के विपक्ष में भी नेता जो शामिल हैं, उन सब का हम सहयोग चाहते हैं, उन सब का साथ चाहते हैं हमारी इस मांग मनवाने के लिए। तो इसके लिए हम सभी कार्यक्रम सरकार के जो भी कार्यक्रम है, जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हम उन सभी सरकार के कार्यक्रमों का बहिष्कार करेंगे। सरकार के सभी कार्यक्रमों का बायकॉट करेंगे। प्रस्ताव नंबर 6, महापंचायत समाप्त होने के बाद 2 घंटे तक ये टोल फ्री रहेगा। आज की इस महापंचायत में ये 7 प्रस्ताव पास किए गए हैं, आप सभी की इन पर सहमति है तो पुनः एक बार हाथ उठाइए। जय यादव। आज मैं इस महापंचायत में घोषणा करता हूँ, सातों के सातों प्रस्ताव सर्वसम्मति से सभी ने पास किए हैं और मैं सरकार को ये बता देना चाहता हूँ कि वह हमारा मेमोरेंडम लेके जाए और हमारी इस मांग के ऊपर गौर करे। आप सभी इन प्रस्तावों को पास करते हो, आप सभी हाथ उठाइए और मीडिया वाले मेरे भाई कहीं यहाँ खड़े हैं तो फोटो ले लें कि इन सातों प्रस्तावों पर सभी भाई सहमत है। इन मांगों को नहीं मानती है तो 2 महीने के बाद हम एक महारैली करेंगे जिसमें और अहिरवाल के यादव नेताओं को बुलाएंगे, जो केवल हरियाणा के नहीं होंगे, दूसरे प्रांतों के भी यादव नेता होंगे। इस प्रस्ताव को भी आप पास करते हैं तो आप हाथ उठाइए। सालाना उसमें जो 4 मैं एक बार हाथ उठाए रखो। मैं मीडिया के, अखबार के छायाकार, पत्रकार बंधु जो खड़े हैं, उन सब से मेरा निवेदन है कि इनके इन सभी